हा काय 10 तारखेला काय प्रकरण काय काय प्रकार घडला आणि तुमचा मुलगा मोहसिन डीके याच्या विरुद्ध तक्रार केलेली आहे, त्याबद्दल तुमचं म्हणणं काय? 10 तारीख को इफ्तारी का वक्त था, आखिरी रोजा था, उस वक्त मोहसिन घर के बाहर बैठा था कुर्सी पर, और ये शाहनवाज और कुछ 4-5 लोग गाड़ी पर आए और उसको घूर घूर कर देखने लगे और उसको मारने की धमकी देने लगे। फिर मोहसिन सिर्फ अभी ऐसे ठीक है ऐसा उठ रहा था और ये लोग उठ कर उसके ऊपर मारने कर आए, हमला करे उसके ऊपर, और ये हमला करते के साथ उसके मुंह पर फाइट मारे, तो वो ताबड़तोड़ पुलिस को फोन लगाया और पुलिस 10 मिनट में पुलिस आई और मोहसिन को गाड़ी के ऊपर बटा कर लेकर गए चौकी को, वहाँ से फिर उसको मेडिकल के लिए लेकर गए। उतने में बाद में 1 घंटे के बाद ये शाह नवाज पीठ के ऊपर कोई तो भी उसको मार कर बोगस ये कर कर कोई तो रेजर गेजर फिरा कर उसको भेज दिए। जब वो आकर मेरे को ऐसा मोहसिन चाकू से मारा, ये सब झूठा आरोप उसके ऊपर लगा, जबकि वो पुलिस की कस्टडी में था मोहसिन, और ये बोलता है कि मोहसिन मुझे चाकू मारा। ये सब बनावट काम, बनावट गुने तैयार कर कर मोहसिन की प्रतिमा खराब कर कर उसके ऊपर गुने दाखिल करना इनका ये हेतु था। उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा गुने दाखिल कर कर इसको तड़ी पार करने का ये लोगों का पहली सी, ये जब से घटना घड़ी तब से बोल रहे तेरा तड़ी पार कराते करके। या प्रकरणाला पूर्णविराम देणार आहे, कॉम्प्रोमाइज करणार आहे? कॉम्प्रोमाइज करणार आहे। आज आम्ही बसून रात्री 9 वाजता आमच्या बसण्याचा असा ठरलेला आहे आणि बसून सर्व कॉम्प्रोमाइज करून आम्ही त्याच्यावर शांततेने सर्व मिळून काम करणार आहे।